आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो गूगल एडसेंस में, अगर आपके पास गूगल का एडसेंस अकाउंट है और आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें जो है आपको बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ा जाए और उसी बैंक अकाउंट में कैसे आप लोग जो यूट्यूब का आपका इनकम होता है वो इनकम आप यूट्यूब के मतलब बैंक अकाउंट में आप कैसे ले पाओगे। ठीक है, तो वो जो है मेरे पास एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मेरा खाता खुला हुआ है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का ही जो है मैं यूज़ करूँगा इसी एडसेंस अकाउंट में जोड़ने के लिए। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक के अलावा और कोई बैंक है, जैसे वो SBI है आपका, PNB बैंक है, ठीक है, HDFC है, या फिर और अदर्स कोई बैंक है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम मतलब होता है कि जो स्विफ्ट कोड होता है ना, वो बहुत सारा बैंक में जो मतलब जो पॉपुलर बैंक होता है, सपोज आपका HDFC हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, उसमें जो है आपका स्विफ्ट कोड बहुत ईजिली मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ और बैंक होता है जो लोग सारा स्विफ्ट कोड देने नहीं चाहते। क्या पता वो लोग क्या सोचते हैं कि क्या करेगा, स्विफ्ट कोड लेके क्या करेगा। ठीक है, तो बोल आप लोगों को दिखाऊंगा स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि कैसे उसको देखना है, और सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करूंगा आप लोग आज का जानकारी मेरा पसंद आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मेरा नाम सौरभ, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर गाइस देख सकते हो जो गूगल एडसेंस के अकाउंट है वो आप लोग यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट्स का एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो पेमेंट इन्फो लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज जो है थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मतलब पेज आपका लोड हो जाता है ना, लोड होने के बाद देख सकते हो ऐसा आप लोगों के पास एक इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है हाउ यू गेट पेड, मतलब आप कैसे पेमेंट लेना चाहोगे। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड में आप लोग एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म जैसा खुल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, वो अभी आप लोग यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं, पहले है बेनिफिशियरी ID, जो कि ऑप्शनल है, अभी इसको आप लोग को देना नहीं है। ठीक है, आप लोग को देना है यहाँ पर नेम ऑन बैंक अकाउंट, मतलब आपका बैंक खाता में जो नेम है आप लोगों का, वो एक्चुअल नेम को यहाँ पर देना है। बैंक का जो नेम है वो देना है आपको। IFC कोड है बैंक का वो देना है। SWIFT BIC, मतलब स्विफ्ट कोड जो है वो भी आप लोगों को देना है, और जो अकाउंट नंबर है वो देना है, और फिर से अकाउंट नंबर दे के यहाँ पर सेव में कर देना है। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल्स फिल करके मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड है ना, स्विफ्ट कोड मेरा जो बैंक खाता है एक्सिस बैंक का, उसी में मेरा पासबुक में भी ऑलरेडी छपा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट में आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए इसको पहले फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने सारा कुछ डिटेल्स जो है मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग को स्क्रॉल करना है, और जो सेव का बटन है यहाँ पर आप लोग को सेव करना है, और ऊपर में देखिएगा एक मतलब टिक करने का ऑप्शन आएगा सेट एज ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, जिसका मतलब होता है कि आप इसी अकाउंट में सिर्फ आपका जो भी अर्निंग होगा आप यूट्यूब का, वो आप इसी अकाउंट में आप लेना चाहोगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स मैंने भर दिया है, भरने के बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया हाउ यू गेट पेड, और यहाँ पर जो अकाउंट है मेरा वो यहाँ पर शो करा है वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, जो मेरा अकाउंट नंबर है उसमें। ठीक है, अभी इसी अकाउंट में मेरा जो भी पेमेंट वगैरह आने वाला है यूट्यूब का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग जो है गाइस इसी तरीके से जो पेमेंट मेथड है आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग किसी भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, लेकिन वो स्विफ्ट कोड जो है वो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, वो उसके लिए थोड़ा सा मतलब झंझट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो जानकारी मेरा पसंद आया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग आज का दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो, या फिर आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है बैंक अकाउंट को आप लोग जोड़ पाओगे किसी भी गूगल एडसेंस अकाउंट में। ठीक है, तो आशा करूँगा आप लोग आज की वीडियो आज का जानकारी मेरा पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड जो वीडियो है वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।